हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द वेज हाउस। आज हम बनाएंगे चीज़ चिली टोस्ट, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो 1 टीस्पून हम लहसुन ले लेंगे। लहसुन को हम कद्दूकस करके लेंगे। 3 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ लेंगे। मोज़रेला चीज़ को भी हम कद्दूकस कर लेंगे। 3 टेबलस्पून हम बटर ले लेंगे। बटर को हम रूम टेम्परेचर पे लेंगे। 1 बारीक हरी मिर्च काट के ले लेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ले लेंगे। 1/2 टीस्पून ओरेगानो ले लेंगे और 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब ले लेंगे। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और 3 ब्रेड ले लेंगे। तो सबसे पहले हम बटर में सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। तो 1/2 टीस्पून जितना रेड चिली फ्लेक्स मिक्स करेंगे बटर में। लहसुन डाल देंगे। हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च हम बारीक काट के ही लेंगे। हाफ टी स्पून जितना हम ओरेगानो डालेंगे। और 1/2 टीस्पून जितना हम मिक्स हर्ब डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि बटर में भी नमक रहता है और चीज़ में भी नमक रहता है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है, अभी हम इसको ब्रेड पे लगा लेंगे। तो एक ब्रेड ले लिया मैंने। ये बटर हम ब्रेड पे अच्छे से लगा लेंगे। तो इस तरीके से पूरे ब्रेड पे अच्छे से कवर हो जाए बटर, इस तरीके से हम लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे ब्रेड पे बटर लगा लेंगे। अभी हम पीछे भी थोड़ा बटर लगाएंगे। पीछे की साइड हम प्लेन बटर लगाएंगे क्योंकि हम तवे पे सेकेंगे इसको। तो हम थोड़ा थोड़ा पीछे भी इस तरीके से बटर लगा लेंगे। अभी हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगाएंगे। तो इस तरीके से मोज़रेला चीज़ रख देंगे सारे ब्रेड पे। इसके ऊपर हम थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। अभी हम इसको तवे पे सेक लेंगे। तो तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। और इस तरीके से हम एक ब्रेड रख देंगे। गैस की धीमी आंच में हम पकाएंगे जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, और ढक्कन लगा के हम धीमी आंच में पका लेंगे। तो हम चेक कर लेंगे, आप देख सकते हो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और नीचे का पार्ट भी एकदम अच्छे से कड़क हो गया है। तो अभी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। चीज़ चिली टोस्ट हमारा बनके रेडी है। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड सेक लेंगे। तो चीज़ चिली टोस्ट हमारा रेडी है, हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। तो हम सारे ब्रेड इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो सारे कट हो गए हैं। अभी हम इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, प्लेट में मैंने निकाल लिए। ये बहुत ही यम्मी लगते हैं खाने में। तो फ्रेंड्स, आप ये घर पे जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके ये चीज़ चिली टोस्ट कैसे बने। अगर आपको इसके बारे में कोई सुझाव हो या फिर कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कुकिंग।